बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज रात आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड ईयर में है, यहाँ 2022 का बॉटनी का सेकंड पेपर देख रहे हैं और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो बनारस में है उस छात्र ने मुझे इस पेपर को भेजा है। जिस छात्र के भी पेपर हुआ करे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7037 3278 और 38, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर सेंड कर दिया करें। इसका जो फर्स्ट पेपर हुआ था बॉटनी का, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, पूरा 100% फंसा है, मतलब जो हमने बताया था पूरा पेपर लीक हुआ है, कुछ भी बाहर नहीं गया है। यहाँ देख सकते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 घंटे में आपको करना है और यहाँ आप 2 घंटों में पेपर को विभाजित किया गया है। शॉर्ट क्वेश्चनों को आपको 150 वर्ड में और आपको दीर्घ क्वेश्चनों को 350 वर्ड में लिखना है, सेक्शन ए सेक्शन बी में। आप देख सकते हैं आपके सामने सब कुछ। यहाँ देखते हैं सेक्शन नंबर ए की बात करें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, 4-5 क्वेश्चन आपको करना है, लगभग 8 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करना होता है, 4 नंबर के हिसाब से आपके 20 नंबर के हो जाते हैं। मैं आपको यहां दिखा दूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनी 5 आपको अटेम्प्ट करना है। यहां देखिए संक्षिप्त में आपको देखो भ्रमण बहुगुणता कैसे कहते हैं, पूरा क्वेश्चन फंसा है देख लीजिए, और यह निक्लोसोम क्या होता है, पूरा क्वेश्चन फंसा है, मतलब कि 4 नंबर का यह क्वेश्चन फंसा है जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया। देखिए यह आ गया अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन का उपयोग आपको चित्र सहित आपको वर्णन करना है, यह 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन फंसा है। यहाँ कोश का द्रव वंशाक्रम क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ देखिए उसके बाद में 2 क्वेश्चन यहाँ आपको बताया गया कि नहीं, 2 पर आपको संक्षिप्त पट्टी बनाए, ये आपका पूछा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा क्वेश्चन फंसा है जो मेरे को इंपोर्टेंट के 2 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ। देखो यहाँ पूछा गया अपूर्ण भ्रमणता किसे प्रभावता किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन, और पेरिमेंट क्या होता है, परिस्थिति पेरिमेंट, ठीक है, परिस्थिति पेरिमेंट, पूरा 2 नंबर का फंसा है आपका, जो दिल करे वो 4 3 में से 2 करना है, ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद में नीचे पहुंच जाइए, नीचे 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सॉरी यहाँ देखो कितने क्वेश्चन होते हैं, 4, यहाँ 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन के बाद में 5वां 6वां देखते हैं, ठीक है, 5वां 6वां देखते हैं। पहले यहाँ देखिए 8वां आ गया, इसको छोड़ दीजिए, ये है देखो 5वां क्वेश्चन, ये है 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में कि नहीं 2 क्वेश्चन को अटेंड करना है, 4 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं कि नहीं 2, देखिए यहाँ कह रहा है देखो परिवर्तन और उत्परिवर्तन, देखो प्रेत उत्परिवर्तन होता है, एक होता है स्वतः परिवर्तन, ठीक है, म्यूटेशन के बारे में मैंने कहा म्यूटेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पूरा देखो 2 नंबर का बचा है। उसके बाद में देखो न्यूक्लियोसाइट और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, पूरा क्वेश्चन वही फंसा जो मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया, कुछ भी बाहर नहीं आया है, इस बात को आपको लिख के ले लेना है, लिख समझ लेना ध्यान से मेरी बात को। उसके बाद में देखो यह वाला क्वेश्चन, पूरे सारे के सारे फंसने क्वेश्चन, यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन देना है। यहाँ देखो मरुदत में पौधों का विशेषता के बारे में ये पूछा गया, जैविक घटक क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, देखो यहाँ बोला है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन भाई फंसे हैं 4-4 नंबर के। देखो ये देखो कह सकते हैं लिंकेज क्या होता है, ये भी आपको पूरा क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपको बात की जाए तो 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन फंसा है। और यहाँ देखो 7वां क्वेश्चन है, हरित लवक की संरचना पाए जाने वाला, पूरा क्वेश्चन देखो 4 नंबर का फंसा है, ये आप भी जानते हैं कि हाँ सर ने जो दिया था भाई। 8वां क्वेश्चन देख लो, ये 8वां क्वेश्चन आपसे देखो पौधों में लिंग निर्धारण किस तरीके से, 4 नंबर का, मतलब कुछ भी बाहर नहीं गया है, पूरा पेपर भाई फंसा है जो हमने आपको इंपोर्टेंट दिया था। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बाद के साथ में जो कहता हूँ भाई होता है देख लिया। यहाँ देखो बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर बी की, ध्यान से देख लो सेक्शन नंबर बी में क्या बोला गया है। यहां देखो किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, लॉन्ग क्वेश्चनों की बात है, 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखो यहां बोला गया अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं, जल अनुक्रमण का पूरा क्वेश्चन बस क्या भाई, कुछ भी बाहर नहीं है, 15 नंबर। देखो यहां कह रहा है विकास के लिए विभिन्न सिद्धांतों का, छोड़ दीजिए ये नहीं बताया था, जीन इंजीनियरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये फर्स्ट का देखो पूरा 15 नंबर का। देखो 2 क्वेश्चन को बोले गए, दोनों क्वेश्चन आप देखो लार ग्रंथि क्या होती है और लिम्फोग्रेस गुणसूत्र के बारे में, पूरा क्वेश्चन फंस गया देखो 15 नंबर का। आपको क्या करना है मुझे बताओ, आप करोगे कौन सा क्वेश्चन, देखो आ गया ये आपका, देखो 4 क्वेश्चन पूरे फंस गए, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करना है, और इसका देखो 5वां क्वेश्चन मैं चेक करता हूं कहां है, शायद 5वां क्वेश्चन इसका नहीं है, आपको 2 क्वेश्चन करना है 4 क्वेश्चनों में से, ये जो 4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना है। यहाँ 3 क्वेश्चन फंस चुके हैं, केवल 1 क्वेश्चन नहीं फंसा है, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, तो आपका जो दिल करे वो कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन फंसा है, मतलब कि 50 का 50 नंबर का, मतलब कि 100% पूरा फंसा है, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं, आप 2022 के टॉपर बनने वाले हैं, इस बात को याद रखना है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को शेयर कर देना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो, आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम कुछ भी कर रहा है उन्हें सबको बताओ कि पेपर हैकर से ही स्टडी करें, बाकी कहीं से भी ना करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके।